कैसे हैं दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट भी शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शुरू करना है। ज्योग्राफी में, वर्ल्ड मैपिंग में आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। हम ऑस्ट्रेलिया को जब पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में हमें दिखाई देता है। दक्षिण गोलार्ध का मतलब ये हो गया, ये हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी को हमने बीच से काटा तो ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और इसके दक्षिण में जो होता है उसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत, और ये रहता है ऊपर में जो रहता है उसे नॉर्थ पोल, और इससे रहता है साउथ पोल। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से किस में आता है, दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत आता है, ये ऐसा महाद्वीप है। दूसरी बात, इस गोलार्ध को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्यासी भूमि, मैंने कहा प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, इन बात को मुझे आपको बताना है क्यों कहा जाता है। अगली बात, ये कोयला, यूरेनियम, सोना उत्पादन करने वाला एक प्रमुख महाद्वीपीय देश, ठीक है। दूसरा बात, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, आया समझना। इन बात तो मुझे आपको प्यासी भूमि के बारे में बताना है, मुझे सोना के बारे में बताना है, मुझे यूरेनियम कोयला के बारे में बताना है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, इन सब बातों को हमें क्लियर करना है। और वर्तमान में करंट अफेयर्स के हिसाब से क्यों ये लगातार चर्चा में रहता है। तो जैसे ही आप एशिया समाप्त करोगे तो एशिया समाप्त करने के बाद में आप इंडोनेशिया पहुंचोगे, तो इंडोनेशिया के साउथ में आप पाओगे थोड़ा सा साउथ, ये हो गया मैप, तो ये साउथ हो गया, और साउथ से थोड़ा सा अगर मैं बोलूं ईस्ट और साउथ के बीच से आओगे तो आपको एक खाड़ी दिखाई देगी जिसको कहा कार्पेट्रिया की खाड़ी। ये कार्पेट्रिया की खाड़ी हमें दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। आप सबसे पहले यहाँ प्रवेश करें, यहां से प्रवेश करने के बाद में जब आप उसी के ऊपर उठते हुए, जब आप धीरे 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 आप ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा होते हुए चलोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा और समुद्र से दूर के बीच में आपको वृहद कोरल रीफ दिखाई देंगे। ये वृहद कोरल रीफ ये विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार इसका हमें विरंजन दिखाई दे रहा है, और इसी के कारण हमें लगातार ये करेंट अफेयर्स में दिखाई देती है, आया समझ में। जैसे ही आप दक्षिण की ओर आएंगे आपको एक बहुत सुंदर शहर दिखाई देगा, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन दिखाई देगा, क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाता है, तो ब्रिस्बेन जब दिखाई देगा तो ब्रिस्बेन के दक्षिण में आओगे तो आपको दिखाई देगा क्या, सिडनी, और सिडनी के बाद में आपको दिखाई देगा कैनबरा। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया इन्हीं नगर के जो अगर आप वेस्ट साइड में आओगे तो आपको एक बहुत बड़ी रेंज दिखाई देंगी जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडेंड रेंज। ये जो मैंने रेखा खींची है इसे कहा गया ग्रेट डिवाइडेंड रेंज। ये ग्रेट डिवाइडेंड रेंज के कारण जो वर्षा होती है वो वर्षा कहीं ना कहीं इस पर्वत से टकरा कर कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में थम जाती है, और इसी क्षेत्र में थमने के कारण इस छोटी सी पट्टी में ही हमें सर्वाधिक मात्रा में लगातार वर्षा दिखाई देती है, और वृहद क्षेत्र कहीं ना कहीं प्यासा रह जाता है वर्षा के कारण, इसलिए इसे प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत। इसी के बाद में ग्रेट डिवाइडेंड रेंज से हमें दो प्रमुख नदियां भी निकलती दिखाई देंगी, एक का नाम है डार्लिंग और उसी की सहायक नदी मुरे। परंतु जैसे ही ग्रेट डिवाइडेंड रेंज के आप दक्षिण में आओगे तो आपको तस्मानिया करके एक द्वीप दिखाई देगा, और यहीं पर आपको एक संधि दिखाई देगी जिसका नाम है बास जल संधि। बास जल संधि से आप फिर दक्षिण की ओर आओगे तो आपको मरे और डार्लिंग जो नदी है वो एक खाड़ी में गिरते दिखाई देंगी जिसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी, कोई दिक्कत है। आप एनकाउंटर की खाड़ी में आओगे तो एनकाउंटर की खाड़ी में आने के बाद में आपको एक बड़ी सी खाड़ी दिखाई देंगी जिसका नाम है वृहद ऑस्ट्रेलियन बे या बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। इसको क्रॉस करने के बाद में आपको एक प्रमुख शहर दिखाई देगा जो ऑस्ट्रेलिया के
वेस्ट साइड में आता है, उसका नाम है पर्थ। ये पर्थ अगर मैं कहूँ क्रिकेट की दुनिया में, तो यहाँ पर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पिच के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। पर इस क्षेत्र के पास में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है डार्लिंग पर्वतमाला, और इसी के पास में कुलगली करके एक क्षेत्र है जो सोने के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी के बाद में हम फिर से कारपेंटे की खाड़ी पहुंच जाते हैं। पर प्यासी भूमि होने के कारण हमें यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल भी दिखाई देते हैं। तो मरुस्थल की अगर हम शुरुआत करें तो वृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी के जब उत्तर में आते तो हमें वृहद विक्टोरियन मरुस्थल दिखाई देता है। कौन सा मरुस्थल? वृहद विक्टोरियन मरुस्थल। वृहद विक्टोरियन मरुस्थल के यदि हम बात करें तो इसी वृहद विक्टोरियन मरुस्थल के यदि हम उत्तर में बात करेंगे तो हमें मैकडोनल्ड पर्वतमाला दिखाई देंगी, और मैकडोनल्ड पर्वतमाला के ईस्ट में आपको सिम्पसन मरुस्थल दिखाई देगा और वेस्ट में आपको सैंडी मरुस्थल दिखाई देगा। ये तीन मरुस्थल हमें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख दिखाई देते हैं, और एक पूरे ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख पर्वतमाला जो ग्रेट डिवाइडेड रेंज को छोड़कर अगर, और डार्लिंग पर्वतमाला को छोड़कर, हमें मैकडोनल्ड पर्वतमाला दिखाई देती है जो कहाँ पर है? पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मध्य में। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा विवरण। पर इस ऑस्ट्रेलिया के में एक और देश आता है प्रमुख रूप से जिसे पढ़ा जाता है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। अगर मैं न्यूजीलैंड को बनाऊं तो न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बसा पड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे, मैं यहां पर आपको बना के बताता हूँ, ये एक द्वीप है और सॉरी छोटा सा हो गया, ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है। ये दोनों द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड कहलाते हैं। कौन सा लैंड कहलाते हैं? न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड जो है ये हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप, ये हो गया दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप, और इनके बीच में जो जल संधि है उसे कहा जाता है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। दूसरी बात, ये दुनिया में बहुत अधिक मात्रा में डेयरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब डेयरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि भैया ये जो क्षेत्र आता है वो कहीं ना कहीं अगर पृथ्वी को यदि हम गोल भागों में बांटे तो अक्षांशीय आधार पर हमें ये 45 डिग्री के करीब करीब दिखाई देता है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर दिखाई देता है। और जब ये 45 डिग्री पर होता है तो 45 डिग्री पर पछुआ पवनों के माध्यम से, कौन से पवन? पछुआ पवनों के माध्यम से लगातार वर्षा होती है, और लगातार वर्षा होने के कारण लगातार नमी की आपूर्ति होती रहती है, और सूरज की जो किरणें रहती है वो भी सीधी ना होकर टेढ़ी रहती है, जिसके कारण उसकी तीव्रता क्या रहती है? कम। और जब तीव्रता कम रहती है तो स्वाभाविक रूप से नमी ज्यादा रहेंगी, और नमी ज्यादा होने के कारण आपको यहाँ पर गेहूं का उत्पादन दिखाई देगा, परंतु जहां गेहूं का उत्पादन करने योग्य भूमि नहीं होती है वहां पर किया जाता है घास का उत्पादन, और घास का उत्पादन किए जाने के कारण वहां पर भेड़ पालन, गाय पालन, भैंस पालन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर दुग्ध उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में डेयरी उत्पादन के लिए। यहीं पर एक कैडबरी का मैदान है जो गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भारत सरकार के साथ न्यूजीलैंड देश यही चाहता है कि भारत अपने डेयरी उत्पादन को हमारे लिए खोले, ताकि हम यहाँ पर लगातार बड़ी मात्रा में निर्यात कर सके। इसलिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इसी बात को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। ये हो गया हमारा विश्व मैपिंग। कल से हम इंडिया शुरू करेंगे, और उसी के साथ में हम ज्योग्राफी को प्रॉपर रूप में शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमने पूरे विश्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भारत बचा है, और भारत के साथ में हमारी ज्योग्राफी जो प्रॉपर रूप में होती है उसकी एक दिन हम ओवरव्यू क्लास लेंगे, और ओवरव्यू क्लास लेने के बाद में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का एक प्रश्न ज्योग्राफी लिखिए। मरे और डार्लिंग नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? दूसरा, उत्तर से दक्षिण में निम्नलिखित शहर को जमाई, उत्तर से दक्षिण में निम्नलिखित शहर को जमाई, कैनबरा,
ब्रिस्बेन सिडनी। तीसरा प्रश्न लिखिए, उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के जो द्वीप है उनके बीच अवस्थित जल संधि का क्या नाम है? धन्यवाद।